गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीएमपी। नीचे यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है चेल्सी वर्सेस सेल्टिक के बीच 1:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं, तो बात करें इस मैच की, तो चेल्सी एंड सेल्टिक में वी हैव टू फेवर चेल्सी, क्योंकि चेल्सी का लास्ट मैच 2-1 के स्कोर से सेल्टिक से जीत लिया था। और चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को भाई साहब हराया है पिछले मैच में, प्रीमियर लीग का मैच था, वुमेन प्रीमियर लीग का, उसमें मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया। मैं दंग हो गया था, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, एक मैनचेस्टर सिटी, एक चेल्सी और एक वुमेन लीग में इतनी मानी नामी, मतलब नामी घामी टीमें हैं जो कि टॉप थ्री में रहती है, और वो क्या खेला था, मज़ा आ गया, मतलब मैं तो दंग हो गया था चेल्सी का वाला मैच देख के। बाकी सेल्टिक टीम एवरेज है, लेकिन आई एम विद चेल्सी। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर रिटर्न के साथ जाऊंगा। एक्चुअली इनकी टीम में ना एक प्रॉब्लम है, यूईएफई में पिछले मैच में जी रिटर्न के अलावा बीवर जॉन्स खेल रही थी, और बीवर जॉन्स ने 14 नवंबर को इसे रेड कार्ड मिला था, ड्यू टू रेड कार्ड ये आज नहीं खेलेगी, तो इसको इलेमिनेट कर दो। जिन 50% लोगों ने ले रखा है वो धीरे धीरे इसे निकाल देंगे लाइनअप्स आने के बाद, आप पहले मत लो। उसके बाद आप रैमिरस को लो, क्योंकि रैमिरस ने लास्ट मैच खेला था, जो मैं बता रहा हूँ ना मैच हुआ था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, उसमें ये खेल रही थी, तो ये दोनों मेन है। उसके बाद एग्नफ की बात करूँ, देखो भाई एग्नफ बहुत कॉमन है, जब जैसे चेल्सी के अगेंस्ट जब गोल करी थी 52% सिलेक्शन थी, तो इसका गोल कितने काम का था, जब वो वाला मैच हम भी जीते थे बहुत तगड़े तरीके से, उसमें एग्नफ का गोल कितना काम आया था। तो इसलिए सेल्टिक चेल्सी ये तो इनका 2-1 का स्कोर था, एक गोल एग्नेफ का ही था, तो ये चलता रहेगा। मिडफील्डिंग की बात करी, देखिए हमैनो के साथ मैं जाऊंगा, हमैनो को छोड़ना थोड़ा मुझे गलत लग रहा था, मैंने पिछले मैच में भी निकाल के पर ले ली थी वापस इसको, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। बाकी मेरे को असली ज़रूरत है जेम्स की वापसी हो जाए यार, इसकी इंजरी ठीक हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। ये नहीं खेल रही ना, मुझे ऐसी प्लेयर ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है। अब एस न्यूस्कन ठीक है, मेरे को पता है आज इसको भेज देंगे, ई कदबर्ट को तो मैं ट्राई नहीं करता, राइटिंग को 10 बार कर चुका हूँ चलती ही नहीं, इसलिए मेरे पास तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। मैं आपको जेन्युइन बताऊँ तो मैं तो 4 डिफेंडर के हक में हूँ, जिसमें पहली प्लेयर है लॉरेंस, जिसने गोल भी किया था 14 नवंबर को। उसके बाद आ जाती है हमारी टीम की एम ब्राइट, जो कि अभी खेल नहीं रही, और उसकी जगह पर मिडफील्डर उठा के डिफेंडर बना रखा है सैंडी बाल्टीमोर, जो कि बहुत अच्छा खेलती है, लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट हो गई थी 45 मिनट्स में, तो मेरे को ना उसका लालच नहीं है। मैं देखो मेरे को क्लीन शीट का लालच नहीं है, अगर आप कहो ना कि मेरे को क्लीन शीट का लालच है तो मुझे नहीं है, मैं बाल्टीमोर को ज़रूर अपनी टीम में लूँगा जस्ट एज अ गोल एंड असिस्ट रेशियो देख के, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहती है। उसके बाद के बुचानन भी फिट है, ब्रॉन्ज भी सुनने में आ रहा है फिट हो गई है, तो ये हमारी 4 प्लेयर हैं। ऑपोजिशन टीम की बात करें, 2 मिडफील्डर्स उनकी लेनी है, द फर्स्ट वन इज़ एंड्रॉस और दूसरी है हमारी ई लॉटन, क्योंकि मैकग्रेगर के साथ यहाँ पर मैं नहीं जा रहा। मैकग्रेगर एक बहुत ही कॉमन सी एक प्लेयर हुआ करती थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इतने गोल कम हो गए कि आज रेयर खिलाड़ी है, तो जीएल वाले लेंगे इसको। गोल कीपिंग की बात करें तो के डोहटी के साथ जा रहा हूँ, डोहटी अच्छा खेलती है चेल्सी के अगेंस्ट, इस लड़की ने भाई साहब मैं आपको मानोगे 11 गोल की ट्राई की थी ऑपोजिशन टीम ने, 11 में से 9 गोल इसने सेव किए थे भाई अपने बलबूते पे, सिर्फ 2 गोल कंसीड होने दिए, उसमें एक की गलती भी नहीं थी इस लड़की की, मस्त खेल के गई थी चेल्सी। बात करें कप्तान की, कैप्टन है मेरी टीम की रिटर्न, वाइस कैप्टन है रैमिरेस, आप चाहो तो इस कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर सकते हो, और हमैनो भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। डिफेंडर पे मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि कई बार ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वुमेन लीग है इसलिए, ठीक है। तो ये मेरी प्राइमरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।